Hi, my name is Nitesh More. I'm working in fitness industry. मुझे फिटनेस इंडस्ट्री में मतलब खुद का वर्कआउट करते करते एक्चुअली मैं इंक्लाइन डंबल प्रेस कर रहा था. इंक्लाइन डंबल प्रेस करते करते मेरे सडनली स्पॉन्डिलाइटिस मेरे अपर ट्रैप्स पे इतना बड़ा स्ट्रेन आया कि फिर मुझे उसके बाद तीन दिन ना मैं नेक लेफ्ट में घुमा सकता था ना राइट में ना अप ना ऊपर ऐसे कुछ भी नहीं कर सकता. तीन दिन मैंने पेन किलर खाया डॉक्टर के जो नॉर्मल डॉक्टर है उनके पास गया जो मेरे लेकिन उनसे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा. तो मुझे ध्यान आया कि जब भी डॉक्टर पांडे जी संतोष पांडे जी जो डॉक्टर है मैं बोला अरे मैं क्यों पागलपन कर रहा हूँ कि हाँ वहाँ जा रहा हूँ. सच अपने जो डॉक्टर पांडे जी उनके पास जाता हूँ क्योंकि क्यों जाता हूँ क्योंकि लास्ट टाइम जो मेरे वाइफ का सर्जरी करने के लिए बोला था लोअर बैक का स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम था. डॉक्टर ने ये बोला था कि एमरजेंसी ऑपरेशन करना ही पड़े ऑपरेशन के बिना कुछ ऑप्शन है ही नहीं. तो वो डॉक्टर ने मुझे 15 दिन का टाइम दिया था कि मैं 15 दिन में ऑपरेशन कर दूंगा सक्सेसफुली बाबा हॉस्पिटल में आके. ठीक है तो वो 15 दिन का जो टाइम था मतलब वो उनको टाइम नहीं था कि मतलब 15 दिन का टाइम दिया था उन्होंने. तो वो टाइम 15 दिन में मेरी मैडम है एक रश्मि नेहलानी उन्होंने मुझे कंसल्ट किया डॉक्टर संतोष पांडे जी इनके लिए कंसल्ट किया कि एटलीस्ट तेरे को 15 दिन का टाइम है तो मुझे सिर्फ 5 दिन दे देना उसमें से सिर्फ 5 दिन संतोष पांडे जी के पास आके सिर्फ उनका ट्रीटमेंट ले लेना वाइफ के लिए मेरे वाइफ के बाद. तो मेरे वाइफ के पास आने के बाद मेरी वाइफ कंप्लीटली बेड रेस्ट थी वो बेड से हिल नहीं सकती थी कंप्लीटली बेड रेस्ट. मुझे 6 साल का लड़का है क्योंकि उसका काम करना उसको स्कूल में छोड़ना ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई थी तभी. तो ये 5 दिन में मैंने मेरे मैडम का सुना और मैंने डॉक्टर पांडे जी के पास आया उन्होंने लिटरली तीन सेशन में मेरी वाइफ खड़ी हो गई वो चल सके जैसे नॉर्मल घर में. और उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था मैं 20 सेशन में एक महीने में मैं उनको ठीक कर दूंगा ये मेरी गारंटी. उसके 20 सेशन में वो अभी नॉर्मल लाइफ जी रहे जैसे कि मेरे लड़के को स्कूल में छोड़ना स्कूल से लेके आना घर का काम करना खाना बनाना कपड़ा धोना ये सब उन्होंने मेरे लिए किया. तो मैंने ये सोचा कि अब ये सब कर सकते तो मेरा तो नॉर्मल था और मैं तो किसी और दूसरी जगह पे जाना मुझे सोचना ही नहीं था. लेकिन मैंने क्या बोला थोड़ा स्ट्रेंथ है पेन किलर खाओ डॉक्टर के पास जाओ ये करना. लेकिन फिर सडनली याद आया कि नहीं सर के पास जाना है और मेरे मुझे इतना ज़्यादा भरोसा है अभी सर ये कि मैं कभी भी मैं या मेरे कोई फ्रेंड सर्कल में या मेरे कोई क्लाइंट जो भी है मैं आग बंद करके बोलूंगे कि प्लीज संतोष पांडे जी के पास ही जाके उनके पास कर लेना. ही इज द बेस्ट थैंक यू.